दोस्तों आज हम अल्ट्रासेट टैबलेट का रिव्यू करेंगे। अल्ट्रासेट टैबलेट क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कितना इसका डोज रहता है, ये सब इस वीडियो में आज हम जानेंगे। सो देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपको ऐसी डेली वीडियोज़ मिल पाएंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। सो शुरू करते हैं अल्ट्रासेट का रिव्यू। दोस्तों अल्ट्रासेट वेरी कॉमन, हर जगह मिल जाता है और अच्छा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है। तो ये जो अल्ट्रासेट टैबलेट है, बात अल्ट्रासेट की नहीं हो रही, सिर्फ इसके मॉलिक्यूल्स की करी जाए कि भाई इसके अंदर पाया क्या जाता है। तो इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों पैरासिटामोल और ट्रामाडोल। अब कई लोग कहेंगे कि भाई इसमें एसिटामिनोफेन पाया जाता है। जाहिर सी बात है, उसके डिब्बे पे एसिटामिनोफेन लिखा रहता है, एसिटामिनोफेन लिखा रहता है और उसी को पैरासिटामोल भी कहते हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई एसिटामिनोफेन लिखा है तो कुछ अलग मॉलिक्यूल है, वो पैरासिटामोल ही है। तो ठीक है, इसमें पैरासिटामोल 325 मिलीग्राम पाया जाता है और ट्रामाडोल जो है 37.5 मिलीग्राम, मतलब कि वो जो पीसीएम है 325 मिलीग्राम और ट्रामाडोल जो है 37.5 मिलीग्राम इसमें होता है कंटेंट्स। अब जो अल्ट्रासेट है इसके सब्स्टिट्यूट को भी जान लेते हैं कि भाई मार्केट में ये किस किस नाम से और आता है। कि भाई देखो यहाँ पे बहुत तरह तरह के ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि कालपोल टी के नाम से भी एक टैबलेट आती है, वो भी सेम होती है दोस्तों। वहाँ पे ट्रैप टैबलेट भी आता है, वो भी सेम है, और अर्जेंडोल पी आता है। ये अगर इनमें से कोई भी ब्रांड आपको दिख जाए तो समझ लीजिए सेम वही बात है जो ट्रामाडोल में, सॉरी अल्ट्रासेट के अंदर है। इसके अलावा भी बहुत तरह ब्रांड हो सकते हैं। सो अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों यहाँ पे पैरासिटामोल क्या है, पैरासिटामोल एक एनसेड ड्रग है, मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, मतलब कि ये एंटी पायरेटिक है। आपकी बॉडी में बुखार है, आपको दर्द है, हाथ पैरों में अकड़न है, हरारत है, इस सब को दूर कर कौन करता है, पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल की एक और प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि वो जस्ट वर्क लाइक एन एनाल्जेसिक्स, तो भाई कई बार वो दर्द निवारक की तरह भी काम करता है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता पेन में। ठीक है, तो एक चीज़ हो गई पैरासिटामोल। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर ट्रामाडोल, ट्रामाडोल भी एक एनाल्जेसिक है, लेकिन ये ओपोइड एनाल्जेसिक है। ओपोइड एनाल्जेसिक मतलब ये ओपियम से लिया जाता है, ड्राइव फ्रॉम द ओपियम। ओपियम क्या है, एक नारकोटिक ड्रग होता है। सो ट्रामाडोल जाहिर सी बात है एक नारकोटिक ड्रग है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको एक डॉक्टर के पर्ची की ज़रूरत पड़ेगी जब भी दवा आप लेने जाओगे, क्योंकि ये नशीली है, नारकोटिक है, आपको आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कई लोगों के मन में आना चाहिए कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि भाई पैरासिटामोल के साथ में ट्रामाडोल को ऐड कर दें। देखो भाई, पैरासिटामोल इफेक्टिव होता है दर्द में, लेकिन कई बार क्या होता है कि दर्द इतना ज़्यादा होता है, सीवियर ट्रामा दर्द जिसे बोलते हैं, उसमें पैरासिटामोल काम ही नहीं कर पाता है। पैरासिटामोल सेफ होता है हमारे बॉडी के लिए, बट अगर उसका आप डोज बढ़ाओगे तो बहुत नुकसान भी पहुंचाएगा, आपके लिवर को भी ख़राब करेगा। तो जितना ज़्यादा दर्द होगा उतना आप पैरासिटामोल को नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे पैरासिटामोल के इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ट्रामाडोल को डाल दिया जाता है। ट्रामाडोल बहुत ही कम मात्रा में डाला जाता है, इस वजह से क्या होता है दोनों का इफेक्ट बढ़ जाता है। कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे एनाल्जेसिक की तरह वर्क करते हैं। अगर यहाँ पे ट्रामाडोल को नहीं डालेंगे तो पैरासिटामोल बढ़ाना पड़ेगा, 1000 mg 1200 mg तक बढ़ाना पड़ेगा, तब भी दर्द नहीं जाएगा। इसलिए इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बनाया जाता है। तो एक बात हो गई कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन में क्यों है और ये काम कैसे कर रहा है। जाहिर सी बात है ये हमारी बॉडी में जस्ट वर्क लाइक एन एनाल्जेसिक्स, तो भाई दर्द को कम करने का काम करता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं करता। ठीक है, सो अब जान लेते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। दोस्तों अगर इसकी बात किया कि यूज़ है इसकी, सीवियर पेन, किसी भी तरह का बहुत गंभीर दर्द होता है तब इसको दिया जाता है। गंभीर दर्द कैसा हो सकता है भाई, किसी की हड्डी टूट गई है, किसी का फ्रैक्चर हो गया है, किसी का मांस फट गया है, ऑन द स्पॉट उसका बहुत ज़्यादा उसका ब्लड बह गया, उसका बहुत ज़्यादा ट्रामेटिक सर्जरी हुई है, मतलब हाथ पैर टूट गए हो किसी के, वो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो, तब ट्रामाडोल का प्लेन इंजेक्शन भी लगा सकता है, बट कोशिश की जाती है ट्रामाडोल की टैबलेट देने की। तो भाई ट्रामाडोल प्लेन तो आता नहीं, तो वो पैरासिटामोल के साथ में ट्रामाडोल दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलता है, उसको दर्द नहीं होता। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दोस्तों जॉइंट पेन, कई बार जॉइंट पेन भी होते हैं उनमें भी दे सकते हैं आप, और स्प्रेन, कई बार मसल्स में खिंचाव होता है, एक स्प्रेन जिसे बोलते हैं, उसमें भी अल्ट्रासेट टैबलेट को दिया जा सकता है। ठीक है, और एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे कई साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं,
साइकोटिक डॉक्टर्स वो भी यूज़ करते हैं। अब वो कहाँ यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है लोगों को अफीम लेने की आदत होती है, वो नशा करते हैं अफीम का, तो उनकी अफीम छूट नहीं पाती है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अफीम छोड़ते हैं, तो उनकी बॉडी में क्या होता है खिंचाव होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो उस कंडीशन से रिलीफ पाने के लिए साइकोलॉजिस्ट भी कई बार इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि भाई ठीक है आप 5 दिन ये खा लो, आपको आराम मिलेगा। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो डोज रहता है मैं आपको बताऊं दोस्तों, 1 VD होता है, मतलब एक टैबलेट सुबह शाम ही खाना रहती है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर TDS दिया जा सकता है। डोज की बात किया तो 1 VD और TDS, और पानी के साथ लेना है, खाने के बाद लेना है। तो ये इतना सा इसका डोज है। अब बात करेंगे कि भाई इसमें ये लंबा क्यों नहीं चलता। कई बार क्या होता है इसकी लत पड़ जाती है, इसकी एडिक्शन हो जाता है, लोग छुप छुप के खाने लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है ओपोइड एनाल्जेसिक, ट्रामाडोल है भैया, ओपियम से लिया गया है, तो वो नशीला होता है, ठीक है, तो नारकोटिक है, और इसलिए इसकी लत भी पड़ जाती है। सो अब बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखो भाई अल्ट्रासेट टैबलेट अगर कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसको साइड इफ़ेक्ट में ये हो सकता है भाई उसके पेट में गैस बनने लगे, उसको डायरिया हो सकता है भाई, पेट गड़बड़ हो सकता है उसका, सीजर, उसको चक्कर आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं कई बार, और छाती में दर्द हो सकता है, और चेस्ट पेन हो सकता है, साथ ही लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख में कमी आएगी, उसको अगर खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, पेट भरा भरा सा लगेगा, और हार्ट रेट थोड़ी स्लो हो सकती है। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि भाई कहाँ यूज़ नहीं करना। देखो भाई अगर किसी पेशेंट को, किसी मरीज को एलर्जी है किससे, पैरासीटामोल या ट्रामाडोल से, तो उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा कि भाई 12 साल से छोटे बच्चों को कभी ना दें, क्योंकि इसके अंदर ट्रामाडोल होता है और पैरासीटामोल ज़्यादा मात्रा में होता है, तो नहीं देना है, ठीक है। नहीं तो आप टैबलेट भी तोड़ के देने लगे, कई बार आधा डोज देने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन इसके अंदर ट्रामाडोल है वो कि बच्चों के लिए सेफ नहीं है। दूसरा यहाँ पे अस्थमा, किसी को अस्थमा वगैरह है और हार्ट अटैक वाली ऐसी कुछ सिचुएशन आई है कभी, या उसको हार्ट प्रॉब्लम है कुछ, उनको नहीं देना है। तीसरा दोस्तों प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को, भाई प्रेगनेंसी में सेफ नहीं, क्योंकि ट्रामाडोल जाहिर सी बात है, पैरासीटामोल सेफ है बट जो है ट्रामाडोल नहीं है। तो इस तरह से आप प्रेगनेंसी में भी नहीं दे सकते। मेन होता है दोस्तों यहाँ पे अल्कोहल, कई बार क्या होता है लोग हाथ पर टूट गए उनके या एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, तो दारू पी के गाड़ी चला रहा था, शराब पी के गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो क्या करता है फिर दर्द से राहत पाने के लिए अल्ट्रासाइड भी खा लेता है। तो ये गलती कभी नहीं करना है, अल्कोहल के साथ कभी भी इसको नहीं लेना है। यहाँ इससे क्या होगा आपकी डेथ तक हो सकती है, किसी आपके अंदर किसी की भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ओपोइड एनाल्जेसिक है और साथ ही अल्कोहल, ये सेफ नहीं है बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि अल्कोहल के साथ कभी भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये है दोस्तों अल्ट्रासाइड टैबलेट की, भाई आज आपने जाना इसका ब्रांड नेम्स, इसके हाउस वर्क, मोड ऑफ एक्शन, इसके साइड इफेक्ट, यूजेस, सब कुछ मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।